हैं या जो थोड़े फाइनेंशियली अच्छे से सक्षम हो जाते हैं तो अपनी पार्टी अपना गुट बना लेते हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, बाबा साहब ने जो कहा वो आज भी सत्य है, लेकिन सब पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज मैं नहीं मानता हूँ। माननीय कांशीराम साहब ने 1,00,000 पढ़े लिखे लोगों को जोड़ करके 6 दिसंबर 1978 को बाम सेफ का निर्माण किया था। आज जो भी बहुजन समाज में चेतना है वो बाम सेफ के कारण है। फिर वो DS4 बनाया गया 6 दिसंबर 1981 को, बाद में राजनीतिक पार्टी बनाई गई, आज भी सो रहा है। उसे अपने घर से फुर्सत नहीं है, उसे अपने टेलीविजन से फुर्सत नहीं है। मैं अपने पढ़े लिखे भाइयों से निवेदन करता हूँ, ए भाइयों जागो, वरना ये जो गुलामी की जंजीरों में तुम जो जी रहे हो, मैं पढ़ा लिखा स्लेव कहता हूँ, इंटेलेक्चुअल स्लेव हैं आप। अगर इस स्लेवरी से आप दूर होना चाहते हैं तो आपको बाबा साहब के मिशन को पढ़ना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी आप वास्तव में एक सही जीवन जीने के हकदार बन पाएंगे।